और फिर इस इत्तेहाद उम्मत का जिस प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया गया है वो भी बड़ा निराला, रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का स्टेज। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ, उम्मत अगर इत्तेहाद चाहती है, मिल्लत अगर इत्तेहाद चाहती है, तो नुक्ते इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी हस्ती के नाम पर ही तो इत्तेहाद हो सकता है। अगर यहां से हटेंगे तो इत्तेहाद की सारी कोशिशें बेकार हो, और इस हस्ती के नाम पे अगर इत्तेहाद की कोशिशें की जाएं तो अल्लाह की ताईद और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत भी शामिल है। एक तो इत्तेहाद उम्मत के लिए कोशिशें, और फिर जिस प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद उम्मत का पैगाम दिया जा रहा है वो भी बड़ा निराला। तो एक ही हस्ती है जमाने में हमारे लिए जो इत्तेहाद का नुक्ता है, वो हुजूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ज़ात सतूदा सिफ़ात है।